माय चैनल कुक सुप्रीम श्वेता। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की बिरयानी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कटहल को मैं काट करके धुल ली हूँ और अब मैं इसे स्टीम के लिए कुकर में डाल देती हूँ। इसको मैं सिर्फ एक सीटी ही लगाऊंगी। कटहल को बॉइल कर ली हूँ, अब मैं इसे साइड में छान करके रख देती हूँ। कटहल को मैं छान ली हूँ, अब मैं इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा डाली हूँ। आधा चम्मच बिरयानी मसाला छोटे चम्मच से, बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको मैं मिक्स कर लूंगी। दो मिनट के लिए मैं इसे ढक कर के रख देती हूँ, तब तक मैरिनेट अच्छे से हो जाएगा। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ बैरिस्टा तैयार करने के लिए। तेल गर्म हो चुका है और ये मैं तीन प्याज को बिल्कुल बारीक काट ली हूँ और इसे हाई फ्लेम पे ही मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई हो चुका अच्छे से, अब मैं इसे नैपकिन पे निकाल लेती हूँ, इसके जो तेल है वो नैपकिन पे में सोख ले। मैरिनेट हो गया है। अब जिस कढ़ाई में मैं प्याज को फ्राई की हूँ उसी में मैं इसे भी डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करूंगी। मैं पानी बॉईल कर दी हूँ, इसमें मैं एक चम्मच घी डाली थी, अब मैं इसमें गरम मसाले डाल रही हूँ और ये डेढ़ कटोरी चावल है जिसको मैं धुल करके भिगोती थी। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी पानी में। प्याज को मैं देख लेती हूँ, प्याज थोड़े भून चुके हैं, अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हल्दी है 1/3। और साथ ही में मैं इसमें 2 मीडियम टमाटर काट के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक इसलिए मैं अब डाल रही हूँ कि साथ में टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक मैं 1 चम्मच ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। राइस हो गया है, अब मैं इसे छान लेती हूँ।
प्याज और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च और डेढ़ चम्मच बिरयानी मसाला इसे मैं एक मिनट के लिए ढक देती हूँ। एकदम अच्छे से मसाले तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता और धनिया की पत्ती डालूंगी। और साथ ही में मैं जो दही फेंट के रखी हूँ उसको डालूंगी। दही मैं फेंट के रखी थी। दही मैं सबसे लास्ट में डाली हूँ। अब मैं जो कटहल को फ्राई करके रखी थी उसको मैं डाल दूंगी। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पकाऊंगी कटहल के साथ। चलिए मैं देख लेती हूँ, कलर तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और खुशबू भी बहुत आ रही है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ तब मैं, और हाँ मैं बिरयानी को राइस कुकर में बनाऊंगी। अब मैं राइस कुकर में सबसे पहले झोल को डालूंगी। अब मैं राइस को डालूंगी। और अगर आपको मेरे वेज पुलाव की या वेज बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। इसके ऊपर से मैं बैरिस्टा डालूंगी। धनिया पत्ती पुदीना पत्ती केवड़ा जल गुलाब जल और हाँ केसर को मैं पानी में भिगोई हूँ। आप चाहे तो दूध में भी भिगो करके
रख सकते हैं। फिर से मैं इस पे ग्रेवी डालूंगी। ऊपर से राइस को डालूंगी, सेम प्रोसेस है। अब ये लास्ट ग्रेवी है, अब इसके ऊपर से मैं फाइनल राइस डाल दूंगी। अब इसे मैं कुक पे कर दी हूँ। चलिए मैं इसे ओपन करती हूँ, देखती हूँ हो गया है। बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। प्लेटिंग कर ली हूँ, अब मैं इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ। मैं इसे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। और अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।